टाइगर थ्री की बात करते हैं। टाइगर थ्री का ट्रेलर देखा आप फ्रॉम वन टाइगर टू अनदर टाइगर। मुझको मुझको मोहित पहले ये बताओ, ठीक है, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा तौलिया नहीं देखा। अरे भाई अच्छा वो अब यार मेरे इसमें नॉइस आ रहा है, यहाँ गाने बज रहे हैं, तुम बोलो। ठीक है, आज तक मैंने इतना बड़ा तौलिया नहीं देखा है, और मैं आज तक कहीं भी गया हूँ, चाहे पब्लिक प्राइवेट बेडिंग स्पेसेस में, मैंने कहीं भी वो नहीं चीज पाई है। हाँ तो मतलब तौलिया जानबूझ के बड़ा रखा गया था कि एस्थेटिकली फ्रेम काफी एकदम सिमेट्रिकल लगे, समझ रहे तुम, ऐसे दो साइड में पूल है, फिर बीच में पिलर है, फिर बीच में वो दोनों खड़ी हैं, और एक ऐसा कभी कभी अफसोस होता है कि काश काश स्पाई यूनिवर्स एक हॉलीवुड पिक्चर होती, काश काश, और उसके ऊपर से भी अगर यूरोपियन होती तो बात ही अलग है। ये वो तो काश काश ही रह गया। कैटरीना कैटरीना गलत इंडस्ट्री में आ गई। गलत मत बोल भाई, सलमान भाई बोलेंगे इधर कम यार, ठीक है। ओ भाई घोड़े पे चढ़ रहे भाई, एक तो बड़ा मस्त लगता है जब कोई भी एक्टर हीरो एकदम घोड़े पे चढ़ता है, ठीक है, अलग मैस्कुलिनिटी झलकती है, और ऊपर से स्टेल्थ, और वो अपना इमरान हाशमी भाई बहुत ज्यादा फुटेज मिली है नहीं उसको, लेकिन भाई मतलब वो लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें रिवील कर रहे हैं ना। पहले तुमको टीजर के अंदर बताया कि वो देशद्रोही है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया, फिर ट्रेलर में क्या रिवील किया, इमरान हाशमी का विलन और उसका लुक रिवील किया, करने को वो कैमियो वगैरह भी कर सकते थे बट नहीं, उसको पिक्चर के लिए बचा के रखा है। अरे भाई और ऊपर से क्या मतलब शूट भी बहुत सेक्सी तरीके से किया गया है भाई इसको, तुम नहीं देखते जब टाइगर को पहली बार भाई जब आउट नंबर करने अरेस्ट करने वाला मामला होता है, और देखते किस तरीके से लाइट पड़ रही है, और भाई जान लुक के साथ नीचे बैठे भाई ज्यादा हाथ उनके फोल्ड नहीं हो रहे क्योंकि भाई से बीच में आ रहे हैं भाई जान। बहुत सेक्सी शॉट था भाई, बहुत सेक्सी शॉट था। अभी अभी मेरे साथ क्या हो गया ना, मैंने लिटरली उसके दो दिन पहले दोनों मूवीज वापस से देखे, ठीक है, टाइगर वन टाइगर टू। तो इस ट्रेलर के अंदर जो भाई का वो सीन है जिसमें हाथ को ऐसे काट के फिर ऐसे गुस्से में ऐसा वो कर रहे हैं, ठीक है, कि रोने पे आ गया लेकिन फिर भी इंसान गुस्सा दिखा रहा है ऐसे, तो एरन येगर बनना चाहते थे वो 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 मतलब मेरे को काफी ज्यादा हिट हो, क्योंकि दोनों मूवीज के अंदर तुम देखोगे ना भाई हमेशा कूल कंट्रोल के अंदर, ठीक है, कुछ भी हो जाए भी वो मतलब लव इंटरेस्ट को उठा के लेके जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं कोई टेंशन नहीं भाई, एकदम सेक्सी। यहाँ पे मतलब तो मेरे को लगा कि अरे टाइगर को इस हालत पे लेके आया, मतलब मे भी इस बार क्योंकि भाई भाई वो एक को बीच के एक्शन सीक्वेंस में भी सलमान खान चिल्ला रहे होते हैं ना, नहीं नो कुछ हाँ, जोर से चिल्लाते हैं वो, क्यों भाई अब इतनी एक्टिंग दिख गई तो भाई यार कुछ तो बात है पिक्चर में, ठीक है, क्योंकि इतना एफर्ट डाल देना, ये अगर उनकी स्टैंड अलोन मूवी होती तो भी मैं उस सीन को उतना सीरियस लेता नहीं, लेकिन क्योंकि टाइगर की मूवी है, ठीक है, तुम जानते हो कि कैरेक्टर पहले से कैसा है, और जब वो इस हद तक चिल्लाने में मजबूर हो गया, मतलब चीजें सीरियस होने वाली है इस बार भाई, यार बड़ा मस्त लगता है। इवन सीजीआई भी लोग बता रहे थे कि मतलब है, तुम्हें लगता है कि क्या रियल है क्या फेक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को चीजें, और मुझे काफी अच्छा उसका लगा। कितना बजट है कोई आइडिया, टाइगर थ्री का बजट क्या है? शायद 350-300 आई थिंक है, शायद 300 करोड़ है क्या? ओके 300. और मतलब आई एम ग्लैड ये चीज करते हुए, मतलब उन्होंने ये चीज करी क्योंकि मतलब ये दिखाने के लिए जिगरा चाहिए आपको। अरे भाई भयंकर ये जो सीक्वेंस है ना, ये दिखाने के लिए आपको एक्चुअली जिगरा चाहिए, और मेरे को अच्छा लगा कि मतलब कैटरीना कैफ को प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिल रहा है। हाँ। आखिर मतलब ये नहीं कि कोई चूतिया से गाना चला दिया वो कर रही है सिर्फ ग्लैमर के पर्पस के लिए नहीं, क्योंकि तुम मेरे को ऐसा याद है टाइगर जिंदा है में भी एक एक्शन सीक्वेंस दी थी उनको, वो जब वो अंदर घुस के और वो पूरे उसको निपटा देती है, नंबर 2 को मारती है वो ऑयल ऑयल वाला जो होता है वो। हां मुझे कुछ याद है मुझे टाइगर के कि वो उसके शायद जोया का टांगे फंसा के मारने वाला काफी पॉपुलर है। हाँ। मैंने रील में भी देखा था कि अभी टॉवेल वाले में तो नहीं कर पाएगी, कर दे तो मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग पर मतलब नहीं मे बी भाई भाई जान इज अ लकी गाय ब्रो, ठीक है
भाई जान थोड़ी इसको फंसा मारेगी वो लगी होगा वो टॉवल वाला जो सीन अरे वो बातों की बात भाई मतलब लोकेशन वगैरह ऐसे वो तो सबने देखा ब्रो ठीक है देखा मैंने सिर्फ हां तो मैं भी ब्रेकडाउन के लिए बोल रहा हूं मैं मतलब क्या हुआ कि दो महिलाएं होती हैं ठीक है दोनों ने टॉवल पहना हुआ है लेकिन निकलता सिर्फ कैटरीना का है दूसरी वाली का टॉवल इंटैक्ट है क्योंकि मेकर्स को पता है कि किसको किसका देख मतलब देखना है किसका उतारेंगे तो ज्यादा फायदे में और उसने नहीं देखो भाई लोग मैं भेदभाव नहीं करता ठीक है अच्छा उसमें भी जब वो टावल ऐसे जो वाइड एकदम मास्टरपीस सीन दिखाया ना अपने को ठीक है वाइड एंगल वाला कि टावल ऐसे तो तुम देखना टावल ऐसे नीचे से हल वो मेरे ख्याल से सीजी है वो ऑफिशियल मतलब अरे वो तो देखो देखो वो ऑब्वियसली पता है कि उसके पीछे क्या है ठीक ना सबको पता है चोली के पीछे क्या है ठीक है लेकिन वो एक होता है ना एपिक मिस्ट्री छोड़ के जाते हो तो वो आपको खाई रहती है अंदर से कि भाई शटर आइलैंड की एंडिंग मैन ठीक है तो वो मिस्ट्री नहीं समझा है भाई तू गिरा कि नहीं गिरा हाँ गिरा कि नहीं गिरा दिखा कि नहीं दिखा वो मिस्ट्री बहुत जरूरी होती है आपको भाई क्योंकि पता ऐसी ऐसी चीजें ना पहले हॉलीवुड किया करता था कि भाई वो जोरों का नहीं सीन होता था वो लड़की कपड़े फटे जा रहे हैं वो लड़े जा रही है ठीक है और पहले की फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवीज भी ऐसा करती थी अब तो काफी ज्यादा ट्रिगर वार्निंग्स और सब एप्रोप्रिएट होना शुरू कर दिए लेकिन अब जब बॉलीवुड आया है कि भाई अच्छा वीएफएक्स हो रहा है अपने पास अपन सही से करते तो काफी मजा आ रही है मुझे वो मतलब और अगर जैसे तो वो और अगर वो सीजी मतलब वीएफएक्स है ना वो कपड़ा असली नहीं है ना तो जिसने भी किया है उसको एनिमेट काफी एकदम मौत को ऐसा टक से छू के वापस आया है वो